दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने मोबाइल को अपने GoPro से कनेक्ट करूंगा और GoPro में जो भी हमारा डेटा फोटोज एंड वीडियोस पड़ा हुआ है उसको मैं अपने मोबाइल में ट्रांसफर करूंगा। सो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल को GoPro से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तो एक आपके मोबाइल में GoPro एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है GoPro क्विक। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर नीचे मिलेगा मोरल मीडिया स्टूडियो एंड GoPro। GoPro पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट अ GoPro। इस पर कनेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ब्लूटूथ अपना ऑन कीजिए। चलिए हम ऑन कर लेते हैं पहले, और ऑन करके उसके बाद हमको अगेन इसी एप्लीकेशन में जाना है। चलिए यहाँ पर आ गए। अब दूसरा काम इसमें कर लीजिए, GoPro में अपने करना है। दूसरा काम अपने GoPro में हमको करना है, ये ऑफ हो गया भाई। हाँ, इसमें क्या कर लेना है, इसको अपने स्क्रीन को इस तरह से डाउन करेंगे, उसके बाद इधर करेंगे और कनेक्शन पर आएंगे। कनेक्शन पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा वायरलेस कनेक्शन, इसको आपको कर लेना है ऑन। यहाँ पर ऑफ होगा, हो सकता है, बट इसको करना है ऑन। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर कनेक्ट डिवाइस पर क्लिक करेंगे और इसको GoPro क्विक ऐप पर क्लिक कर देंगे, राइट। और इस तरह से आएगा, इसको करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ से अगेन हमको अपने मोबाइल में काम आएगा। मोबाइल में क्या करना है, कनेक्ट GoPro पर क्लिक करेंगे और ये सर्च करने लगेगा कनेक्ट कैमरा। यस, ये फाउंड, ये पा गया लग रहा है कि वी फाउंड योर GoPro, राइट। तुरंत कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं तुरंत कनेक्ट हो गया। इस पर कनेक्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन चालू हो गया। अब इसमें शो करेगा, ये हीरो ब्लैक आ गया। ओके, सेम नेम कर देते हैं, एंड फर्स्ट टाइम कर रहा है इसीलिए इसका नेम नहीं सेव था। यहाँ पर ये सेव कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कैमरे का यहाँ पर पूरा वीडियो आएगा। ओके, सब्सक्राइब आई विल डू दिस लेटर। ओके, बाद में हम करेंगे, नो थैंक्स, लेट्स गो। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी GoPro का नेम होगा, उसके बाद इसकी इसमें कितनी बैटरी है वो भी शो कर देगा। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, व्यू मीडिया एंड ऑटो अपलोड। जो भी आपके फोटोज और वीडियोज़ हैं यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने क्लाउड में, राइट। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शट डाउन करने का ऑप्शन मिला, यानी कि आप अपने GoPro को इससे शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से पावर ऑफ करूँगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा ऑटो में, राइट, मुझे करना नहीं है। इनेबल प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल में डेटा है, सॉरी, जो भी आप अपने कैमरे में कर रहे हैं ना, यानी GoPro में कर रहे हैं, आपके यहाँ पर मोबाइल में शो होगा। इस तरह से आप अपनी GoPro कहीं रखकर और इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से टाइम लैप्स का ऑप्शन आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटो रिकॉर्डिंग, राइट, फोटो कैप्चरिंग, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे कंट्रोलिंग का, एंड इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। यहाँ से नीचे सेम ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हमको यहाँ सबसे पहले इसका डाटा ट्रांसफ़र करना है। इसमें व्यू मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो भी इसमें डाटा पड़े होंगे यहाँ पर शो करेंगे। ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस वीडियो को मैं इसमें से डाउनलोड करूँगा, राइट। और डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे, इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक हो जाए भाई। अब यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। सिर्फ जो GoPro एप्लीकेशन है उसी में जाएगा। इस पर क्लिक करने के लिए व्यू मीडिया पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में है, यानी कि जो GoPro का एप्लीकेशन है उसी में ये वीडियो यहाँ से गई है। अब उसमें से मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है अपने फ़ोन में, तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला। इस पर क्लिक करके अब ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करूँगा और सेव टू फ़ोन। चलिए अब ये वीडियो हमारा फ़ोन में सेव हो गया। चलिए इसको हम देखते हैं अब अपने गैलरी में। गैलरी पर क्लिक करेंगे और रिसेंट पर जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे और देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो इसको हमने यहाँ से GoPro में से सेंड किया इधर, और इस तरह से हमारा सक्सेसफुली पूरा हाई क्वालिटी की वीडियो यहाँ पर हमारे मोबाइल में आ गई है। तो इस तरह से आप अपनी GoPro को अपने मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं, फोटोज़ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो भी इसमें डेटा है वो आप सक्सेसफुली अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।